खाना था क्या तुमको? अरे लाइफ के किसी भी रेस में अपने ओपिनियन को कमजोर समझना बहुत बड़ी बेवकूफी है। हो सकता है आप उसे हराने की कोशिश में लगे हुए हो और वो पूरे रेस को जीतने की कोशिश कर रहा हो। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो कल मैंने फोर्ड वर्सेस फरारी वाली मूवी देखी है, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उस स्टोरी लाइन से, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देखिएगा। एनीवेज आज कड़े यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुम इतना क्यों भाव खा रही हो? तुम इतना भाव क्यों खा रही हो? तुमको बुला रहा था और तुम बोल रही हो मैं काम कर रही हूँ। क्या इतना बिजी हो बेबी? देखो तुम्हारा कान है, देखो कान मड़ोड़ रहा हो तुम्हारा। हाँ मतलब बेबी बेबी कल तुम्हारे साथ बड़ा वाला प्रैंक हुआ था, पता है क्या तुमको? क्या? तुमको नहीं पता? ऑलराइट गाइस, तो कल काया के साथ बहुत बड़ा वाला प्रैंक हुआ है, तो ये जो वीडियो है मैंने कल शूट करके रखा था, आज दिखाऊंगा। काया सो रही थी और हम लोग कहीं बाहर खाना खाने जाने वाले थे, तो फिर काया ने क्या हुआ, काया को मैं तैयार होके आया और काया को ऐसे प्रिटेंड किया कि हम लोग खाना वाना खा के आ गए और इसको उठाया, फिर बाद में तो बहुत गुस्सा हो गई थी। क्यों, कितना ज्यादा प्रैंक हो गया तुम्हारे साथ बेबी? हाँ बेबी, चलो कुछ खाने के लिए चाहिए क्या? इधर देखो क्या चाहिए। हाय बोलो सबको। हाय, लॉलीपॉप। ठीक है ठीक है, चलो कल का ओके, कल का फिर जो शूट किया था वो देखिए, इसके बाद आपको दिख जाएगा। हमारी काया बेबी सो रही है और कितनी मासूम लग रही है देखिए, एकदम कोई इसको होश ही नहीं है। और मेरे खुराफाती दिमाग में एक खुराफात आ रही है कि इसके साथ एक प्रैंक किया जाए, एज हम लोग बाहर खाना खाने जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि हम लोग सब रेडी हो जाएंगे और इसको बोलेंगे कि हमने तो खाना खा के आ गए, तुमको इतना उठाया तुम उठी नहीं, फिर कितना गुस्सा होती है आप सबको दिखेगा। क्या तुमको इतना बोले तुम उठी नहीं, मैं इतना कोशिश किया तुमको, फिर मैं हम लोग जाके खा के आ गए, तुमको खाना था क्या? कुछ बोला, क्या हो गया, कुछ खाना था क्या तुमको? ये मेरे को मार रही है, ये तुम्हारा मिस हो गया आज खाना। ये है गार्लिक ब्रुशेटा एंड इसके बाद आएगा मेरा फेवरेट पिज्जा। मुझे ऐसा लगता है नागपुर का सबसे बेस्ट पिज्जा यहीं पर मिलता है, जिंक करके रेस्टोरेंट है, आया हुआ है गार्लिक ब्रेड। कायो तुमको कैसा लगा बताओ खा के? नहीं डायलॉग बोलो, डायलॉग बोलो ना, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, बोलो स्वाद आ गया। ये मेरा सबसे फेवरेट पिज्जा है नागपुर में से, इसका नाम है फायर बॉल पिज्जा, गार्लिक फ्लेवर रहता है, बहुत अमेजिंग। और मैंने जहाँ जहाँ का पिज्जा खाया सबसे बेस्ट यही का पिज्जा लगता है। कहा तुमको भी पसंद है ना ये वाला पिज्जा? बहुत टेस्टी लगता है, क्यों? यम्मी यम्मी। अभी क्या खा रही हो? गार्लिक ब्रेड। वाह कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? यम्मी। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको खा के बताता हूँ कि फायरबॉल पिज्जा कैसा है। मजा आ गया, आप लोगों को जरूर एक बार यहाँ पर आके ट्राई करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है पिज्जा। बताओ तो कुछ बोलो तो सही। अच्छा जल्दी खाओ फिर। ये क्या आ गया, स्ट्रॉबेरी डाइक्यूरी। वाह का तो मजे ही मजे है, आप जल्दी खा के बताओ कैसा है बेटा। आते सिप नहीं बोलो कम, डायलॉग डायलॉग बोलो 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 बोलो, बोलना पड़ता है। अच्छा बोलना पड़ता है, बोलो बोलो बोलो। क्या बात है, क्या बात है, सिप करके बताओ स्वाद आया कि नहीं, बताओ स्वाद आ गया, स्वाद आ गया, बोलो बोलो बोलो। सो स्वाद आ गया, बोलो जोर से जोर से, बोलो 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 बोलो। कैसा लग रहा है काया, बताओ जल्दी, मजा आया क्या, स्वाद आया क्या? डांस कर रही है काया तो इसको पी पी के। कैसा लगा क्या? अरे बोलो मुंह से बोलो, क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं नहीं बोलूंगी। क्यों, बहुत मजा आ गया क्या? बहुत मजा आ गया है, स्वाद आया क्या? आ गया स्वाद,
ऑलराइट गाइस, सो आज वीनू बहुत जल्दी आ गया, चमत्कार हो गया मामा, चमत्कार। तू कल जल्दी सोया, 2 बजे सोया, मेरे को पता है तेरा लास्ट सीन 2 बजे का ही दिखा। 2 बजे तो व्हाट्सएप पे सिर्फ ऑफलाइन हुआ था, 5 बजे सोया। 5 बजे सोया, फिर भी जल्दी उठ गया। आज एक इम्पोर्टेंट काम करना है। स्मिता को तो आप लोग जानते ही है, ये वाली स्मिता जो दिख रही है आपको, तो इसके जो डैड 1 साल से पेंशन नहीं आया हुआ है, तो बोली थी यानी एक बार पेंशन ऑफिस किसी को भेज देना। तो मैं बोला मैं बाकी को किसी को क्यों भेजूं, मैं खुद ही चले जाऊंगा, अपनी जिगरी है यार, दोस्त है अपनी। तो पेंशन ऑफिस में 1 साल से डैड का पेंशन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कुछ तो वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, कुछ सर्टिफिकेट्स रहते वो देना है, तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया। तो चलिए और देखते हैं कैसा होता है पेंशन ऑफिस। मैं कभी नहीं गया हूँ, तू गया क्या कभी? तेरे को पता है कहाँ है वो? अपने एड्रेस, हाँ, वो सिविल लाइंस में कहीं पर है, तो वहाँ पर जाके देखते क्या प्रोसीजर होती है। होपफुली आज के आज ही मैं करवा दूंगा। स्मिता ने बोला मैं घर जाके, ऑफिस से, ऑफिस में थी वो, तो बोली वो घर जाके फिर डैड से वीडियो कॉल में उनकी बात करा देंगे, तो शायद सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए और देखते हैं कैसा होता है पेंशन ऑफिस का एक्सपीरियंस। वैसे अपने को तो पेंशन ऑफिस कभी जाने की नौबत नहीं आएगी, हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो इसलिए पेंशन तो हमको नहीं मिलेगा। तो अभी से सेविंग करना बहुत जरूरी है। तो गाइस कोरोना के दौर पे एक चीज जरूर सिखा दिया कि लाइफ में सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता ही हूँ, तो आप लोग भी जरूर स्टार्ट करिएगा, बहुत अच्छा रिटर्न आता है। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए पेंशन ऑफिस में। वीनू बहुत होशियारी दिखा रहा था, मेरे को पता है, पता है कुछ नहीं पता था, लास्ट में हमको गूगल मैप में डालना पड़ा, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस क्यों रहा था? गूगल मैप पे डाले तो कहां लेके आ गया? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन नहीं, कहीं आसपास होगा तो जाके हमको सर्च करना पड़ेगा। तो तू इतना कॉन्फिडेंस के, तू मुझे पता पता, अबे क्या पता, कभी आया क्या तू पेंशन ऑफिस में? ये पेंशन ऑफिस में तो नहीं आया, पर यहाँ आया हूँ आके रजिस्ट्री। अच्छा अच्छा, तो पेंशन ऑफिस अलग होती है, रजिस्ट्री ऑफिस नहीं, और पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं अपन यहाँ। तो अभी क्या करना है, गाड़ी तेरे को वो कर देता, मैं जेल में डाल देता हूँ, अभी पतला हो जाएगा तू, वहाँ पर इतना मेहनत करेंगे। बोल चुका वीडियो देने वाला हूँ मैं हफ्ते भर। तो चलिए अंदर जाके देखते क्या। सो गाइस, हमारा पोपट 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 और ये सारी गलती जो है ना विनू की है। क्यों बताएगा, तेरे को याद करना चाहिए था गुरु नानक जयंती। आज कैसे, आज काया की छुट्टी है, तो कैसे हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस स्टार्ट, काया कैसे आ गई शॉप पे, तो इसको याद नहीं था। और आप सबको गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ आके मुझे भी याद आया कि हाँ यार, गुरु नानक जयंती, एक दो पोस्ट देखे थे अपना, तो ध्यान मत दिया कर तू, और चलो गवर्नमेंट ऑफिस कैसे स्टार्ट होगी। तो हमारा काम आज नहीं हुआ, तो स्मिता को फोन किया, स्मिता ने बोला आज कल मत करना, परसों करना, परसों मेरा हॉलीडे होता है, तो उस दिन मैं घर पे ही रहूंगी, तो परसों फिर अपने को आना ही है भाई। ठीक है ठीक है, तो चलते हैं अभी जाके पहले शूट कराते हैं, बिकॉज़ फोटो शूट कर। मेरे कपड़े लाइट दिख रहे हैं और मैं डार्क दिख रहा हूं, क्या करें? तुम सामने आ, सामने आ, सामने आ, साले गुच्छा अंदर। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग घूम फिर के आ गए वॉकर स्ट्रीट पे फोटो खिंचाने के लिए। एज नागपुर में जगह की बहुत ज्यादा कमी है, तो तेरे को ये वॉकर स्ट्रीट ही मिलता है क्या? थोड़ा तो हेल्प कर दिया, थोड़ा कमेंट करके बता दिया करो ना कि अच्छे अच्छे कैफेज कहाँ पर है, कहाँ पर फोटो अच्छी आएगी, लेकिन आउटडोर चाहिए, इंडोर कैफेज में मुझे मजा नहीं आता। वीनू को पता पसंद है वो येलो लाइट में, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। मेरे को पसंद की बात नहीं, कुछ कुछ फोटो आते हैं अच्छे, लेकिन अपना ये आउटडोर मजा आता है। तो चलिए और जाके फोटो खिंचा लेते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, फिर फोटो खिंचा के है ना, फिर स्टोर पे भी तो काम करना है। Alright guys, so आज मुझसे मिलने के लिए विवेक आया हुआ है। विवेक का बहुत टाइम से मेरा चैनल फॉलो कर रहा है, मेन चैनल से ही तुम देखते हो? मेन चैनल यूट्यूब स्टार्ट होने से पहले। अच्छा अच्छा, पहले से ही देखता था। और विवेक क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, विवेक वीनू के वेंस देखने के लिए। दिख रहे क्या, दिख रहे क्या? तो आज विवेक आके बोलता है विनू का है, मतलब विनू तो यहीं पर है, तो बोले विनू भेज दिखाओ, विनू को भी भेज आ रहे। और क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल, कैसे चल रहे फिटनेस? बिल्कुल सर, मैं वर्कआउट करता हूँ 1 hour 45 minutes आपका वीडियोस वगैरह जो भी है, और साइड्स की एक्सरसाइज आपकी बहुत इफेक्टिव है। लॉकडाउन में साला वो अदरक बन गया इंसान, तो मैं ही अदरक बन गया, अभी धीरे धीरे आ रहे, लेकिन इस बार से लोग सुधर गए और ज्यादा, और फिटनेस के लिए थोड़ा ज्यादा जागरूक हो गए, तो इन फ्यूचर सब लोग प्रॉपर दे रहे हैं। वैसे तुम्हारी बॉडी बड़ी अच्छी दिख रही है, अच्छी दिख रही है। नहीं आती, नहीं आती, प्लीज विनू की बातें मत करना, बिकॉज उसको पता नहीं है, एक दिन खाके 1 gram खाके बोलता है बियॉन्ड साइंस बात कर रहा है, बोले एलियन बन गया।
1 ग्राम खाके आके बोले भैया फिर से भूख भी उठ जाएगा। मतलब 5 ग्राम खा रहा हूँ तो मेरे को नहीं आते, अभी ना कुछ टिप्स दे यार। कुछ नहीं, बस 2-3 दिन आप खाना मत खाओ, एलर्जिन खाओ, सिर्फ बढ़ जाएंगे। अरे बहुत बढ़िया, ये रंद बीमार पड़ जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज हमारा जो माउस पैड है उसमें माउस तो नहीं फंसा, लेकिन बेचारी एक छिपकली फंस गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, RIP लिज़र्ड। हाँ यार बहुत बुरा लग रहा है, नहीं तो क्या होता अगर माउस पैड नहीं रखे ना, तो यहाँ पर चूहे आके तबाही मचाते, पूरा पार्टी मनाते, पता है यहाँ पर पिछले बार क्या क्या था, प्रोटीन खा के बॉडी बना ले, एलार्जिनिन खा के नस निकाल लेते। तो पिछले बार क्या हुआ था कि 3-4 डब्बे एकदम से खा गए, मेरा बहुत घाटा हो गया, तो अब से मैं माउस पैड लगाने लगा। तो चलिए माउस पैड खरीदते हैं, और काय के लिए किंडर जॉय भी खरीदना है। नहीं तो आज तो मारी डालेगी, बोलती है बस आप बोलते हो लाके नहीं देते हो। तो चलो विनू, तेरे को बोल रहा था लेट हो गया तो मानता ही नहीं है बात। मैं भी बोल रहा था, मैं बोल रहा था देखो लेट, तेरे चक्कर में आज माउस पैड नहीं आया मेरा, अगर प्रोटीन का 1 भी डब्बा जाएगा ना तो तू पे करेगा, समझा। विनू ने फिर से पूरे सैनिटाइजर खत्म कर दिया। विनू क्या करता है विनू, 1 हफ्ता हुआ नहीं, फिर से तू सैनिटाइजर पूरा। 1 हफ्ता कितना टाइम हो गया, ब्लॉग दिखाओ, ब्लॉग में सबूत है, सबूत है। 1 हफ्ते पहले ही भरा था, एक हफ्ते पहले ये देखिए पूरा ये वाला भी सैनिटाइजर पूरा खाली कर दिया। विनू इतना मत लगाया कर, नहीं लगा फट से भर देते, नहीं लगा मैं इतना छोटा सैनिटाइजर, वो भी खाली हो गया, अभी भी तू भरेगा मेरे को पता है। फाइनली हमारे सारे डब्बे भर चुके हैं, देखिए 1 बोतल उधर, 3 बोतल इधर, और विनू अपना भर रहा है। विनू और कितना लीटर पिएगा बता तू? मैं तो सोच रहा हूँ ना ही लेते, आजकल पार्टी करने को नहीं मिल रहा तो तू सैनिटाइजर में पार्टी मना ले रहे हो, ना ही लेते कोई पिएगा तो ही इतना खर्चा होगा, ऐसे नहीं खर्चा हो सकता। ऑलराइट गाइस, सो अभी विनू को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और 9:30 बज चुके हैं, कितने बजे, 9 बज रहे, 10, अरे 10:45 बज गए, और विशाल डिग्गा बहुत दिन से बुला रहा था, भैया चाय पीने चलते हैं, चाय पीने चलते हैं। तो सीए विशाल डिग्गा के पास जाते हैं, मिलते हैं उससे, चाय पीते हैं, और उसको प्रोटीन का डब्बा भी देना था, एज उसने जिम में स्टार्ट किया, बोल रहा है बॉडी वॉडी बनानी है तो प्रोटीन लाके दो, तो मैं लाके दे रहा हूँ, और साथ में चाय वाय पियेंगे। तो चलिए और मिलाता हूँ विशाल डिग्गा से बहुत दिन के बाद। ये ऑल राइट, हमारा विशाल डिग्गा आ चुका है, इतना अंधेरा क्यों भाई, थोड़ा लाइट वाइट जलाओ यार, थोड़ा अच्छा दिखे। विशाल तू कहाँ गायब था बे? अरे यार रानी का मिलना ही, ऊपर गाड़ी नहीं रहती, गाड़ी कहाँ गई, जीजे कहाँ है, जे बिगड़ गया क्या, डॉग की तबीयत खराब है ना? अच्छा डॉग की तबीयत खराब है, मतलब जीजे फिर से बिगड़ गया क्या? नहीं अबे सुधरा हुआ है क्या, अच्छा काम कर रहा है ना वो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेरे से भी बहुत दिन से नहीं मिला यार। आता तो है, अच्छा तेरे पास ही आता है, देख मेरे पास नहीं आता, ठीक है। और तेरी गाड़ी को क्या हुआ बे? अरे वो गाड़ी पड़ी है ड्राइव, अच्छा ड्राइव पड़ी, देखो सीए विशाल डिग्गा की गाड़ी ड्राइव होगी, क्या कर रहा है यार, बेइज्जती मत करा भाई। तो चलिए हम लोग जाके चाय पी के आते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग को, तेरे प्रोटीन लेके आया हूँ मैं। क्या प्रोटीन चाय पिला रहे क्या? तेरे को प्रोटीन चाय पीनी है, प्रोटीन चाय पिला रहे, तेरी बॉडी वॉडी बन रही है। अबे विशाल तो बना रहे हैं बॉडी वॉडी, अभी चालू किया है, चालू किया यार, आपको मजे उड़ा रहे यार। नहीं अरे तू एलआरजीनिन चाय पिलाऊंगा ना तेरे को, नसें निकल गई, एक दिन खा के इसका एलआरजीनिन, पता है क्या, एक दिन खाया बोले मेरी नसें दिख रही, बोले दिख रही, 1 ग्राम खाया हो भी, सोच अच्छा देखा था क्या वीडियो तुमने, तो सोच नया, मतलब साइंस की ऐसी तैसी कर रहा हमारा भी, बियॉन्ड साइंस बातें कर रहा है, तो क्रिच बन गया, सोचने का 1 ग्राम खाने का, ऐसा सोचने का 10 ग्राम, अच्छा क्रिच बन गया, क्रिच तू ना, कूदेगा भी बिल्डिंग से बिल्डिंग, ऐसे दिखेंगे उड़ने का, जिम मार रहा है क्या? नहीं ना भी अभी टाइम है, वो इसका क्या बोलते हैं अपना पुशअप मारने का बार देखे हो ना, नहीं हर जो बॉडी वॉडी बनाएगा, सरकार आता भी है इसको मैं, अच्छा सरकार सही है, कभी जिम भी मार लिया कर, क्या बात है विशाल, तू तो रिलैक्स कर रहा है, बेड आउट ले लिया भाई, देखो ना आपके लिए बेड लेके आया, अबे मेरे लिए मैं क्या सोऊंगा यहाँ पर, लेकिन अच्छी बात है जब पार्टी वार्टी करेंगे तो मेरे सोने के लिए तुम लोग साले जमीन पे सोना, सब लोग समझे, बिल्कुल। और यहाँ पर बाकी बैचलर लोग भी है, क्या चल रहा है भाई लोग, अरे हम कुछ ही उसको और शांति चाहिए, थोड़ा सा शोर तो करेंगे, नहीं तो इसको क्या करते पता, फुटाला के बीच में नाव डाल के ऐसा भेज देते वहाँ पर, बीच में जाके पढ़ाई करेगा, मतलब सही रहेगा, ऐसे ही पढ़ता था इसलिए सीए नहीं बन पाया। ऑलराइट
गाइस तो भूषी का बर्थडे, भूषी विश यू अ हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आवर साइड, सबकी जितने भी हमारे एनी रे फैमिली है सबकी तरफ से तुमको बर्थडे विश, लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस पाओ और कोविड से बचो और 100 साल तक जियो, है कि नहीं? यही चीज बता सकते हैं क्यों, है कि नहीं? ऑलराइट गाइस, सो आज का डे तो बहुत अच्छा रहा और अभी घर पहुंच गया हूँ, सो मैं खाना वाना खाता हूँ एंड वीडियो को यही खत्म कर दे। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।